और जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख, वादक और यंत्र के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसे मैं बताने वाला हूँ ट्रिक के साथ। तो ध्यान से देखिए और याद रखना है कि कौन सा वादक क्या बजाता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं वादक और यंत्र, कौन सा वादक जो है कौन सा यंत्र बजाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं तबला के बारे में। तबला के बारे में तो याद रखना है दोस्तों, एक ट्रिक याद रखना है कि कौन कौन से जो है व्यक्ति हैं जो तबला बजाते हैं, उसके लिए याद रखना पड़ेगा हमें। फजल के संग तबला बजा, तबला बजा, ये हमें याद रखना है, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक में हम देखने वाले हैं कि जितने भी वादक हैं वो कौन कौन तबला बजाते हैं। तो सबसे पहले एफ से याद रखना है फयाज खां, फयाज खां। ए से याद रखना है लतीफ़ खां, सॉरी, ए से याद रखना है अल्लाह रखा, ए से याद रखना है अल्लाह रखा खां ये। और इसके बाद याद रखना है जे से जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और एल से याद रखना है लतीफ़ खां, के से याद रखना है किशन महाराज, और एस से याद रखना है सुखविंदर सिंह, सुखविंदर, सुखविंदर सिंह। और एन एन से याद रखना है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। और जी से याद रखना है गुदई महाराज, गुदई महाराज। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से नाम आ रहे हैं। एक बार हम देखते हैं, फजल, फजल के संग तबला बजा, ये ट्रिक है हमारा। एफ से याद रखना है फयाज खां, ए से याद रखना है अल्लाह रखा खां, और जे से याद रखना है जाकिर हुसैन, के से याद रखना है किशन महाराज, और एस से याद रखना है सुखविंदर सिंह, एन से याद रखना है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, और जी से याद रखना है गोदाई महाराज। तो इतने नाम याद रखना है, और एस से और एक नाम याद रखना है समता प्रसाद, समता प्रसाद, ये नाम याद रखना है। तो इतने लोग हैं जो तबला बजाते हैं, तबला बजाने वाले, ये ट्रिक से याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जाकिर हुसैन, इसे याद रखना ही है, कोई भी एग्ज़ाम में आते रहता है। जाकिर हुसैन वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें एक याद है, याद रखना है गुदई महाराज, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अगली ट्रिक बांसुरी के लिए, कि बांसुरी बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा ट्रिक है हीरा, पन्ना, राजेंद्र, प्रसन्ना, ये ट्रिक है याद रखना है। हरि प्रसाद चौरसिया जाएगा इससे। हरि प्रसाद चौरसिया वेरी इंपॉर्टेंट है। और आर से याद रखना है रघुनाथ सेठ और रोनू मजुमदार, रोनू मजुमदार याद रखना है, और रघुनाथ सेठ, ये याद रखना है। इसके बाद पन्ना लाल घोष, पन्ना से याद रखना है पन्ना लाल घोष के बारे में याद रखना है। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी याद रखना है, और राजेंद्र प्रसन्ना याद रखना है।
राजेंद्र प्रसन्ना, तो इतने नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इतने लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना ही रखना है। और पन्नालाल घोष और रोनू मजुमदार, ये बहुत इम्पोर्टेंट तीनों नाम हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं सितार वादक, कितने फेमस सितार वादक हैं जो सितार बजाते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं ट्रिक की सहायता से उषा निशा वीर वंदे, उषा निशा वीर वंदे, ये हमारा ट्रिक है। और इस ट्रिक की सहायता से हम याद रखने वाले हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सितार बजाते हैं। तो उमा शंकर, उषा जाएगा उमा शंकर, और उमा शंकर आ जाएगा निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी आ जाएगा इससे, साहित परवीज, साहित परवीज ये याद रखना है, वी से आ जाएगा विलायत खां, विलायत खां, और आर से आ जाएगा रविशंकर, रविशंकर, रविशंकर महाराज, और बंदे हसन आ जाएगा, वा से आ जाएगा बंदे हसन, और देबू चौधरी, देबू चौधरी, इतने नाम याद रखना है सितार वादक के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या वो हम देख लेते हैं, विलायत खां बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और रविशंकर महाराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद देबू चौधरी, ये तीन नाम याद रखना है सितार वादक से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने देखे कि सितार वादकों के नाम हम आसानी से कोड की सहायता से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संतूर वादक कौन कौन है, संतूर वादक, इसके लिए ट्रिक याद रखना है शिव भजन, शिव भजन याद रखना है, ये ट्रिक है और इससे याद रह जाएगा। तो शिव कुमार शर्मा, शिव से आ जाएगा शिव कुमार शर्मा, और भजन सोपारी, भजन सोपारी जो है ये संतूर बजाने वाले हैं, इसमें शिव कुमार शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं शहनाई वादक कौन कौन है, शहनाई वादक, इसके लिए ट्रिक याद रखना है अली, दया, मिल्ला, ये नाम याद रखना है। इससे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं जो शहनाई वादक हैं। तो इससे याद रखना है अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन, और इससे याद रखना है दया शंकर जगन्नाथ, दया शंकर जगन्नाथ, और मिल्ला से याद रखना है बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां, वेरी ना वेरी इंपॉर्टेंट नाम इसमें है बिस्मिल्ला खां, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है शहनाई वादक में नाम आता है बिस्मिल्ला खां का, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्ला खां पद्मश्री, पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो याद रखना है पूछा जाता है कौन सा शहनाई वादक जो है पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित है, बिस्मिल्ला खां वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सारंगी वादक, सारंगी वादक कौन कौन व्यक्ति हैं जो सारंगी बजाते हैं। तो सारंगी वादक के लिए याद रखना है बिंदुसार कोड़ का नाम है, बिंदुसार, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन जो है वो सारंगी बजाते हैं। उस्ताद बिंदु खां, इससे आ जाएगा बिंदु से उस्ताद बिंदु खां, और एक नाम आता है, बस इसमें एक ही नाम याद रखना है उस्ताद बिंदु खां, और सार से आ जाएगा सारंगी, तो ये एक ही नाम याद रखना है सारंगी वादक में, यही पूछा जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सरोद वादक, सरोद वादक ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सरोद वादक, इसके लिए कुछ नाम याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। और इसमें याद रखना है
अमजद अली खां, अमजद अली खां बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, पूछा जाता है, ये सरोद वादक हैं। हाफिज़ अली खां, हाफिज़ अली खां ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और याद रखना है अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां ये भी इम्पोर्टेंट है। हाफिज़ अली खां ये ग्वालियर से संबंधित हैं, इन्हें याद रखना है। अलाउद्दीन खां को याद रखना है, ये मैहर से संबंधित हैं, ये मैहर से संबंधित हैं। और इसमें एक नाम याद रखना है भीमसेन जोशी, इसमें नेक्स्ट नाम याद रखना है भीमसेन जोशी, ये भारत रत्न प्राप्त करता है, भारत रत्न इनको मिल चुका है। और एक नाम याद रखना है 2008 में इनको भारत रत्न मिला था 2008 में। और नाम याद रखना है जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला, जतिन भट्टाचार्य ये नाम भी याद रखना है। और हाफिज़ अली खां तो हमने देख चुका, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें विश्वजीत राय, विश्वजीत राय ये इतने नाम जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना है। अमजद अली खां, हाफिज़ अली खां, अलाउद्दीन खां और भीमसेन जोशी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं वीणा बजाने वाले, तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नाम है जो ऐसे ही याद रखना है। वीणा इससे पूछा जाता है, वीणा से, कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, पुराना वाद्य यंत्र है ये, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है ये, तो पूछा जाता है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा वीणा ही याद रखना है, सबसे प्राचीन या पुराना। इसमें याद रखना है कौन कौन से ऐसे नाम हैं, तो वीणा बजाने में औरंगजेब दक्ष था, औरंगजेब का नाम याद रखना है, पूछा जाता है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा। इसके बाद याद रखना है एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन का नाम याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। सुब्बा लक्ष्मी, एम एस सुब्बा लक्ष्मी, ये भी वीणा बजाते थे। और याद रखना है एक क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा शासक है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त का नाम याद रखना है, गुप्त वंश का शासक था ये समुद्रगुप्त, तो पूछा जाता है कौन सा शासक सिक्का पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो वो है क्या समुद्रगुप्त का नाम, ये याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसमें एक चीज़ और याद रखना है, अकबर का नाम पूछा जाता है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये नगाड़ा, नगाड़ा इसके लिए याद रखना है, अकबर के लिए, अकबर नगाड़ा बजाने में दक्ष था। इसके बाद हम देखते हैं वायलिन, वायलिन बजाने वाले कुछ नाम फेमस हैं जिनको पूछा जाता है, तो वायलिन बजाने में एक नाम आता है यहूदी मेनुहिन का, मेनुहिन ये वायलिन बजाते हैं। टी एन कृष्णन का नाम याद रखना है। ओमकारनाथ ठाकुर का नाम याद रखना है, ठीक, ये भी वायलिन बजाते हैं। और याद रखना है एक पुराना नाम अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ये भी वायलिन बजाने में दक्ष थे। अल्बर्ट आइंस्टीन वही हैं जिन्होंने E=MC² फार्मूला दिया था, भौतिक संबंधित है, 1905 में, और इनको 1921 में शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है।
इसके बाद हम देखते हैं कुछ नाम ऐसे हैं जो लेटेस्ट हैं और उनमें पूछा जाता है, जैसे जुबिन मेहता, एक नाम पूछा जाता है, ऑर्केस्ट्रा से संबंधित है। ऑर्केस्ट्रा से संबंधित हैं, उनका नाम याद रखना है, जुबिन मेहता ये ऑर्केस्ट्रा से संबंधित हैं। नीरू स्वामी पिल्लई, एक नाम याद रखना है, नीरू स्वामी पिल्लई ये नादवरम से संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई ये नादवरम से संबंधित है। और नेक्स्ट यहाँ नाम याद रखना है, कन्याकुमारी ये घटम यंत्र होता है, ये कन्याकुमारी इससे संबंधित है। एक नाम पूछा जाता है, ये पॉप संगीत में नाम याद रखना है, उषा उत्थुप ये नाम याद रखना है, ये पॉप संगीत से संबंधित है। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र को कौन बजाते हैं। इसमें एक बार हम रिपीट करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा तबला वादक के लिए ट्रिक देखा, फजल के संग तबला बजा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जाकिर हुसैन, फयाज खां, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, समता प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, गुदई महाराज और सुखविंदर सिंह, किशन महाराज और जाकिर हुसैन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा बांसुरी वादक में कोड याद रखना है, हीरा, पन्ना, राजेंद्र, प्रसन्ना। तो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हरी प्रसाद चौरसिया, जो क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। रोनू मजुमदार, रघुनाथ सेठ, पन्ना, लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, इसमें दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हरी प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सितार वादक में देखते हैं, उषा निशा वीर वंदे हमारा कोड है, याद रखना है, उमा शंकर, निखिल बनर्जी, साहित्य परवीज, रविशंकर महाराज, बंदे हसन, देबू चौधरी और विलायत खां। इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए विलायत खां, रविशंकर महाराज और देबू चौधरी, ये पूछा जाता है। संतूर वादक में शिव कुमार याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। शहनाई वादक में बिस्मिल्ला खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शहनाई वादक। इसके बाद सारंगी वादक में उस्ताद बिंदु खां इम्पोर्टेंट है। और सरोद वादक हम देखते हैं, इसके बाद सरोद वादक में अमजद अली खां वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, हाफिज अली खां, अलाउद्दीन खां, भीमसेन जोशी, यहाँ के सरोद वादक में सभी नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो हमसे छूट ना पाए। आज क्या हुआ दोस्तों कि आज मैं क्लास नहीं जा पाया वीडियो बनाने के लिए, तो मैं घर पे ही जो है इस तरह बैठ के बना रहा हूँ। तो शायद सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर हम देखें वीणा वादक, तो वीणा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, वीणा है और इसमें पूछा जाता है औरंगजेब क्या बजाने में दक्ष था, तो औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र है भारतीय, और एस बालचंद्रन, MS सुब्बालक्ष्मी और समुद्रगुप्त, ये भी समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अकबर के बारे में, तो अकबर नगाड़ा बजाने में प्रसिद्ध थे, फेमस थे। और पूछा जाता है अकबर में कि एकमात्र अनपढ़ या निरक्षर शासक कौन था, तो ये अकबर याद रखना है, पूछा जाता है। वायलिन में नाम याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन पूछा जाता है, ठीक। यहूदी मेनुहिन पूछा जाता है, ओमकारनाथ ठाकुर पूछा जाता है, ये वायलिन बजाने वाले हैं। और ऑर्केस्ट्रा में पूछा जाता है जुबिन मेहता, ये लेटेस्ट नाम है, इन्हें भी पूछा जाता है।
ऑर्केस्ट्रा जुबिन मेहता याद रखना है, नादवरम नीरू स्वामी पिल्लई याद रखना है, और घटम एक वाद्यंत्र होता है इसमें, ये कन्याकुमारी इससे संबंधित है। पॉप संगीत ऊषा उत्थुप ये जो है पॉप संगीत से जुड़ी हुई है। तो इतने ही नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमने एक ही वीडियो में सारे नाम देखे जो वाद और वादक हैं उनके बारे में। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी टिक करके बता चुका हूँ, तो उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है और पहले उनको याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC GT हो, चाहे वो SSC GT हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे आर्मी आर्मी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, NTPC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट जल्दी ही लाने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।